नेचुरल तरीके से लीवर की सफाई की जा सकती है। जी हाँ, एक ऐसी जड़ होती है जिसको कि आप अगर रात भर पानी के अंदर भिगो दे, सुबह उठकर खाली पेट उसका सेवन अगर आप करने लगते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर काफी सारे परिवर्तन आए हैं, बहुत सारी बीमारियां नेचुरली ठीक हुई है और आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए ये जड़ काफी ज्यादा यूजफुल होती है। आज हम लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे, यानी लीवर को आप घर पर ही नेचुरल तरीके से किस तरह से साफ कर सकते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले यह जानते हैं कि क्या लीवर को हम साफ भी कर सकते हैं, उसे डिटॉक्स भी किया जा सकता है। जी हाँ, अगर शरीर के अंदर कई तरह के विषाक्त पदार्थ इकट्ठे होने लगते हैं तो लीवर क्या करता है, उन विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में हमारी मदद करता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है, उसे स्ट्रोंग बनाता है, जिसकी वजह से खाना सही ढंग से पचता है, हमारे खून के अंदर यानी अशुद्धि आने लगती है तो उस अशुद्धता को साफ करता है। लीवर यानी कि शरीर की सफाई करने के साथ में सारे के सारे टॉक्सिन को नेचुरली बाहर अपने आप ही निकालता है। लेकिन कई बार लीवर के अंदर किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने लगता है जिसकी वजह से लीवर ये काम करना बंद कर देता है और वह फिर सारे के सारे टॉक्सिन को बाहर नहीं निकाल पाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर काफी सारी बीमारियां होने लगती है। जैसे अगर आप बीमारियों की बात करेंगे तो कुछ ऐसे लक्षण आपको दिखाई देंगे, जैसे शरीर के ऊपर काफी ज्यादा मात्रा के अंदर खुजली का संक्रमण होना, चकते से बनने लग जाना, दाने हो जाना। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि आसपास अपने पास में कोई बैठा है उसको वो बोलेगा कि मेरे पीठ पर खुजल दे या फिर मेरे पैरों पर खुजल दे, तो ये खुजली का संक्रमण उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा जिससे कि लीवर के अंदर इन्फेक्शन हुआ होगा। ऐसे व्यक्तियों को उल्टी, दस्त, डायरिया जैसी समस्याएं भी होने लगती है, यानी कि अगर लीवर पूरी तरह से अशुद्ध हो जाएगा, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, आपका पाचन तंत्र कमजोर होएगा और उसकी वजह से आपके दस्त या डायरिया जैसी दिक्कत होने लगेगी। पूरा का पूरा शरीर पीला पीला सा पड़ने लग जाएगा, पूरे आंखों के अंदर आप देखोगे तो पीलापन लगेगा, स्किन पर देखोगे तो पीलापन आने लग जाएगा, शरीर के कई हिस्से ऐसे होंगे जिसके अंदर सूजन भी आप देखेंगे, जैसे पैरों की पिंडलियों के अंदर आपको सूजन दिखाई दे सकती है, मोटापा वहां पर आ सकता है, पैरों के नीचे जहां पर पंजे होते हैं उसके ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है वहां पर आप देखेंगे तो सूजन जैसा लगेगा, चेहरे पर सूजन जैसा महसूस होगा, कई बार हाथों बाजू के अंदर आप देखेंगे तो ज्यादा मोटाई हो जाएगी, सूजन दिखेगी। तो इस तरह से शरीर के कई पार्ट्स ऐसे होंगे जहां पर सूजन से दिखाई देगी और ये सारा का सारा संक्रमण इसीलिए होता है कि लीवर के अंदर किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है। तो लीवर के अंदर कौन कौन से रोग हो सकते हैं, जैसे लीवर के अंदर गंदगी भर जाएगी तो फैटी लीवर का संक्रमण पैदा कर देगा, फैटी लीवर बन जाएगा, लीवर सिरोसिस की समस्या होने लग जाएगी, पीलिया जैसी बीमारी होने लग जाएगी जिसको कि जोंडिस के नाम से जानते हैं। इस तरह से लीवर की अलग अलग तरह की बीमारियां होने पर शरीर के अंदर काफी सारी कमजोरी आ जाती है और बहुत सारे ऐसे लक्षणों के साथ में उन बीमारी को हम पहचान सकते हैं। लेकिन उसी के साथ में ये सारी की सारी बीमारियां आने के कारण को अगर आप समझे तो सबसे प्रमुख कारण वह होगा कि आप खान पान आपका बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत ही ज्यादा तला हुआ खाते हैं, जंक फूड को अपने डाइट के अंदर रोज रखते हैं तो उनके लीवर संबंधित कई सारी बीमारियां होने लगती है। वो आपको पता नहीं चलता है, आप रोज तला हुआ खाएंगे तो आपके लीवर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से लीवर संबंधित बीमारियों के साथ पीलिया का संक्रमण सबसे ज्यादा होता है। अगर पानी अशुद्ध होएगा तो भी ये संक्रमण होने लग जाएगा, आपने कहीं पर भी कोई सा भी पानी पी लिया तो वह भी आपके लीवर पर जाकर इफेक्ट करेगा। अगर किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी ज्यादा कमजोर होगी तो ये इन्फेक्शन होने के चांस सबसे ज्यादा रहेंगे कि आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे या आपके पेट के अंदर कुछ भी अशुद्ध चीज गई तो लीवर पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा। तो आपको क्या करना है, इन सभी कारणों को समझना है। आज इस रेमेडी की बात हम करेंगे, वह रेमेडी क्या करेगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बिल्कुल सुरक्षित करेगी, उसको मजबूत करेगी, उसे बूस्ट करेगी, आपके शरीर के ऊर्जा लेवल को बूस्ट कर देगी, पाचन तंत्र को एकदम से स्ट्रोंग बनाएगी, जैसे पाचन तंत्र संबंधित अंदर जितने भी संक्रमण होंगे उन सबको वो बिल्कुल साफ करेगी। जैसे पाचन तंत्र संबंधित कई सारे संक्रमण होते हैं, जैसे पेट के अंदर जलन होना, एसिड रिफ्लक्स होना, खाना बिल्कुल नहीं पचना, सड़ना या फिर कोलोन के अंदर किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन आ जाना, खाना अंदर चिपका हुआ रहता है या फिर छोटी आंत या बड़ी आंत के अंदर कोई इन्फेक्शन होना, गुदा मार्ग के इन्फेक्शन होना, इस तरह के संक्रमण अगर आपको है तो ये सारे संक्रमण को भी बिल्कुल सही करेगी।
अगर किसी भी व्यक्ति का श्वसन तंत्र बहुत ज्यादा कमजोर है, जैसे कि अस्थमा है, सर्दी जुकाम रहता है, एलर्जी बार बार होती है, साइनस की दिक्कत है, खांसी का इन्फेक्शन है, तो यह उन सभी पर भी बिल्कुल काम करेगा। आज का उपाय बहुत ही नेचुरल है। इसकी जड़ को बस रात को पानी के अंदर आपको भिगोना है और सुबह खाली पेट एक कप पानी आपको रोज पीना शुरू करना है। अगर आपके लीवर को डिटॉक्स करना है, लीवर की बीमारियों को ठीक करना है, ये नेचुरल तरीके से आप अपने लीवर की सफाई कर सकते हैं। इस जड़ का नाम है मुलेठी की जड़, जिसको कि आप सब जानते होंगे। मुलेठी हमारे शरीर की काफी सारी बीमारियों को ठीक करती है, तीनों दोषों पर काम करती है, एलर्जी को खत्म करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट भरे होते हैं। ये एंटीसेप्टिक का काम करती है। इसके अंदर पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक है, उसके अंदर विटामिन है, फास्फोरस है, ऐसे काफी सारे न्यूट्रिशन होने के कारण ये पेट संबंधी और पाचन तंत्र संबंधी सारे रोगों को बिल्कुल ठीक करती है। उसमें लीवर सबसे प्रमुख होता है। अगर आपके लीवर के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो इस मुलेठी का सेवन करने से आप देखेंगे कि लीवर पूरी तरह से डिटॉक्स हो रहा है और आप 2 या 3 दिन के अंदर ही फर्क महसूस करेंगे। आपको क्या करना है, इसे लेना कैसे, रोज आपको क्या कर देना है, मुलेठी की जड़ आती है उस जड़ को आपको पानी के अंदर डाल देना है। अब जड़ कितनी लेनी है, जैसे आपको इतनी बड़ी जड़ लेनी है, एक कम से कम एक उंगली से थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए। भिगो कर उसे रात भर छोड़ दीजिए। सुबह आपको सबसे पहले उठकर उसको अच्छे से मसल लेना है, उस जड़ को इसके अंदर पानी के अंदर अच्छे से मसलना है, जिसकी वजह से उस जड़ के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन है, जितने भी एंटीऑक्सीडेंट है, जितने भी विटामिन है, वो सारे के सारे नेचुरली उस पानी के अंदर आ जाए। फिर उस जड़ को तो आपको बाहर निकाल कर रख देना है और सुखा देना है धूप के अंदर। अब आपको इस पानी को रोज सुबह सुबह खाली पेट पी लेना है। एक कप पानी बनाकर सिर्फ और सिर्फ इसको आपको लेना शुरू करना है। आप देखेंगे कि लीवर की सारी बीमारियां सही हुई है, जैसे फैटी लीवर की दिक्कत है तो वह सही हुआ है, लीवर सिरोसिस की दिक्कत है तो वह सही हुआ है, पीलिया हो गया है तो वह सही हुआ है। अब मैंने बात करी है कि आपके पाचन तंत्र, आपके इम्यूनिटी, इन सब पर भी ये काम करेगा, तो आपको बस इस उपाय को लगातार करना है। 3 दिन के अंदर ही आपको नेचुरली लीवर डिटॉक्स मिलेगा, आपके शरीर की काफी सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। हम उसे इस तरह से नेचुरली ठीक कर सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर स्वस्थ भी है तो सप्ताह के अंदर एक दिन अगर इस मुलेठी की जड़ का पानी पीता है तो उसे पाचन तंत्र संबंधी, इम्यूनिटी संबंधी कोई संक्रमण या फिर बार बार एलर्जी का संक्रमण ये नहीं होता है और वह बिल्कुल ठीक रहता है, यानी उसे फिर फैटी लीवर या और कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो अगर आप स्वस्थ है तो सप्ताह के अंदर एक दिन इसका सेवन करिए, और अगर आपको इस प्रकार की बीमारी है तो रोजाना 3 महीने तक इसका सेवन आप करिए। ये पूरी तरह से लीवर को डैमेज होने से बचा सकती है, तो बस इस नेचुरल रेमेडी का सेवन आप करके देखिए, आपको 100% फायदा होगा। इसी के साथ में आपको परहेज जरूर करना है। परहेज के तौर पर आपको क्या करना है, जैसे लीवर के ऊपर अगर कोई सा भी दुष्प्रभाव पड़ता है तो ऐसे खाने को बिल्कुल नहीं खाना है, यानी तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना है, मिर्च मसाले का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, पैकेट वाले आइटम नहीं खाने हैं, अचार का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। दिन भर के अंदर एक बार नींबू का रस जरूर लीजिए, उसका सेवन करने से भी लीवर पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई रहता है, कोई भी बीमारी उसकी नहीं होती है। तो ये कुछ छोटे छोटे से उपाय है, कुछ परहेज है, कुछ सावधानियां है, अगर आप इनको करते हैं तो लीवर पूरी तरह से साफ रहता है, वह अशुद्ध नहीं होता है। अगर वह बीमार नहीं होएगा तो हमारे शरीर की और बहुत सारी बीमारियों को रोक देगा, क्योंकि वह ही हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर देता है। तो आपको क्या करना है, लीवर को हमेशा तंदुरुस्त रखना है, उसे डेटॉक्स करते रहना है, और इस विधि को आप अप्लाई कर दीजिए, ताकि ये बिल्कुल नेचुरल है, इससे आपको और कोई नुकसान नहीं होंगे, शरीर की आपकी बहुत सारी बीमारियां इससे ठीक होने लगेगी। क्योंकि लीवर की बीमारियां होने पर शरीर के अंदर एक साइकिल चलने लगती है, जिसकी वजह से डायबिटीज आने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, या फिर शरीर के अंदर कमजोरी इतनी ज्यादा आ जाती है कि आप हमेशा थकावट महसूस करते हैं। तो इन सब चीजों पर कंट्रोल करने के लिए आप इस नेचुरल रेमेडी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो उस पर भी मेरे काफी सारे वीडियो बने हुए हैं, एक बार जाकर चेक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों की मदद हो सके, मेरा सपोर्ट भी हो सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।